बच्चों, गुड मॉर्निंग सबको, गुड आफ्टरनून। और आप ये देख रहे हैं जी, अपना बच्चों चैप्टर है द ट्राइब्यूट, ये अपन कंटिन्यू कर रहे थे। प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 121। तो बच्चों आज ये है, टुडे वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेसन। आज अपना ये जो चैप्टर है ये खत्म होने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप जरा देखेंगे पेज नंबर 121 पर, बच्चों आप देखो, मैं यहां से पढ़ रहा हूं। इट वॉज मिड डे, माने इट वॉज द टाइम ऑफ आफ्टरनून। इट वॉज द टाइम ऑफ आफ्टरनून, तो बच्चों इसका मतलब समझ गया। इट वॉज मिड डे यानी ये दोपहर का समय था। दोपहर, इसको आप कह सकते हैं मिड डे के लिए दूसरा शब्द आता मध्य प्लस एहन, मध्यान्ह। तो ये मध्यान्ह था, ये मध्यान्ह की वेला थी, ये मध्यान्ह का समय था। इट वॉज मिड डे, यही कह सकते हैं कि दो पहर। ठीक है बच्चों, दो पहर होते हैं, तीन पहर होते हैं, चार पहर होते हैं, चार पहर होते हैं पूरे दिन में। ठीक है, तो इट वॉज मिड डे अर्थात दोपहर का समय था। सेवन और एट पीपल यानी कोई सात आठ आदमी, सेवन और एट पीपल का मतलब होता कोई सात आठ आदमी। हेड गेदर्ड माने आकर के इकट्ठे हो गए थे। इन अवर कोर्ट यार्ड, हमारे कोर्ट यार्ड में। कोर्ट यार्ड क्या होता है बच्चों, अब आप लोगों की क्या समस्या है? आप लोग समझते हो साहब ऐसी हो, यू आर टी कोर्ट, जरा देखना। कोर्ट यानी होता है बच्चों अदालत, हिंदी में बोले तो कहते हैं इसको न्यायालय। न्याय का आलय होता है ना बच्चों, वो न्यायालय होता है। हालांकि न्यायालय में क्या नहीं होता, न्याय बिल्कुल नहीं होता। ठीक है ना, इसीलिए वो तारा प्रकाश जोशी कविता में लिखता नहीं है क्या, न्यायालय में दया मांगने जब भी कोई कर फैलाए, ऐसा लगे कसाई घर में बकरे की मां खेर बनाए। तो यहां तो कोर्ट है, कोर्ट का मतलब बच्चों क्या बताया आपको, न्यायालय। ठीक है, एक मीनिंग तो इसका ये हुआ। एक बच्चों आप जैसे खेल वगैरह खेलते हो तो आपने कभी एक शब्द सुना होगा टेनिस कोर्ट। तो ये जो कोर्ट शब्द है बच्चों, इसका दूसरा मीनिंग क्या निकलेगा जरा बताना, टेनिस कोर्ट। तो उसके लिए जो टेनिस का जो मैदान आप बनाते हो, फील्ड जो आप बनाते हो, उसको टेनिस कोर्ट कहते हैं। तो ये कोर्ट हो गया साहब, ये मैदान हो गया। ठीक है, वैसे तो मैदान का मतलब ग्राउंड होता है, बट लेकिन बच्चों क्या होता है टेनिस के लिए आप क्या करते हो कि जो ग्राउंड है उसका एक पर्टिकुलर नाम देते हो और आप उसको बोलते हो टेनिस कोर्ट। क्लियर, ओके। एक होता है बच्चों कोर्ट। कोर्ट में जब आप आईएनजी जोड़ोगे तो आपको सर आईएनजी केस जुड़ेगा तो नाउन है, ये सच है। जैसे एक बॉय एक नाउन है तो बॉय में आईएनजी केस जुड़ेगा, बोइंग, बोइंग तो होगा ही नहीं। उसी तरीके से मैन तो मैनिंग कभी होगा ही नहीं, गर्ल गर्लिंग कभी होगा ही नहीं। परंतु बच्चों आपने देखा होगा शॉप एक शब्द है, शॉप यानी दुकान होता है, लेकिन इसमें आईएनजी जुड़ता है। तो कब जुड़ता है, जब शॉप बच्चों कौन सा मीनिंग देता है, शॉप यानी दुकान होता है एक तो, और एक होता है शॉप यानी खरीददारी करना। तो जब आप खरीद फरोख्त करते हैं तो वो भी शॉपिंग कहलाती है। ठीक है, खरीद फरोख्त करते हो तो क्रिया के सेंस में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे वाटर, तो बच्चों आप जानते हो वाटर तो पानी है, पानी में बताओ आईएनजी केस जुड़ेगा। लेकिन आप ऐसे बोलते नहीं, आई एम वॉटरिंग द प्लांट्स इन द गार्डन, मैं गार्डन में क्या कर रहा हूं, पौधों को पानी दे रहा हूं। तो वाटर यानी पानी देना भी होता है। तो जब आप इसका प्रयोग करते हो द इन द सप्लाई, इन द सेंस ऑफ द सप्लाई ऑफ वाटर, जब आप पानी की पूर्ति के अर्थ में इसका प्रयोग करते हो बच्चों, तो आप इसमें आईएनजी जोड़ते हो। तो कोर्ट का मतलब कोर्ट में आईएनजी जुड़ता है, कोर्टिंग। ये कोर्टिंग क्या है, तो कोर्ट में जब आईएनजी जोड़ोगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। कोर्ट यानी होता है बच्चों प्रेम करना। ठीक है, तो शेर और शेरनी है ना, तो प्रेम करते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हो बच्चों, कोर्टिंग कहते हो। तो ये इसका मीनिंग बच्चों प्रेम करना भी होता है। ठीक है, जैसे डेट है, आप जानते हो डेट इन तारीख होता है, डेटिंग पे है, डेट करते हैं एक दूसरे को, है ना। तो वो उस सेंस में क्या उसका मीनिंग बदल जाता है। ठीक है, तब वो कौन सा अर्थ देता है, क्रिया का अर्थ देता है। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा, अब आपका सवाल था कि कोर्ट यार्ड, अब कोर्ट और ये हो गया यार्ड। अब यार्ड तो आप जानते हो क्या होता है, जैसे बच्चों जंक यार्ड, जंक यार्ड का मतलब होता है कबाड़खाना। जरा देखना ये शब्द है जंक यार्ड, तो यार्ड यानी होता खाना, कबाड़ खाना, जिसे दवा खाना। तो कहने का मतलब बच्चों ये जो है इसको हिंदी में बोलते हैं अपन कबाड़ खाना। क्या बोलते हैं, कबाड़ खाना। तो यार्ड का मतलब समझ में आ गया ना आपके। तो यार्ड यानी बच्चों हिंदी में कहूं तो इसको दालान या आंगन भी है ना। तो ये जो शब्द है ना कोर्ट यार्ड, इसका मतलब होता है दालान या आंगन। कोर्ट यार्ड का मतलब होता है बच्चों दालान अथवा आंगन अथवा प्रांगण, ऐसे बोलते हैं आप। ठीक है, तो आपके घर में अगर बंटवारा होगा तो अड़ोस पड़ोसी दो चार आदमी पंच पटेल आएंगे और वो क्या करेंगे, उनकी मौजूदगी में क्या होगा बच्चों, आपका बंटवारा होगा। तो देखो क्या लिखा है सेंटेंस है बच्चों, क्या लिखा है जरा देखो।
इट वॉज मिड डे अर्थात दोपहर का समय था, सेवन और एट पीपल एट गेदर्ड इन अवर कोर्ट यार्ड। कोई सात आठ आदमी हमारे आंगन में या हमारे दालान में या हमारी गुआड़ी में आकर के बेड़े हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे। अपन तो बच्चों गांव की भाषा में बात करें तो अपन इसको गुआड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हमारी जो गुआड़ी है उसके अंदर आकर के जो अड़ोस पड़ोस के दस पांच आदमी आइए इकट्ठे हो गए थे। क्यों हो गए थे? टू सुपरवाइज द डिवीजन, बंटवारे का पर्यवेक्षण करने के लिए। टू मॉनिटर, टू सुपरवाइज द डिवीजन, यानी बच्चों टू सुपरवाइज द पार्टीशन, कि कहीं कोई पक्षपात तो नहीं कर रहा है, कहीं किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से बंटवारा जो बच्चों उसका उसके साक्षी बनने के लिए, इन ऑर्डर टू विटनेस दैट सीन, उस दृश्य को विटनेस करने के लिए, उस दृश्य के साक्षी बनने के लिए और जो थोड़ी पटलाई करने के लिए वो लोग आ गए थे। वी थ्री ब्रदर्स वर प्रेजेंट, हम तीनों भाई मौजूद थे। वी ऑल ऑफ अस, इसका मतलब बच्चों ऑल ऑफ अस का मतलब हम में से सारे लोग, ठीक है। ऑल ऑफ अस, वी थ्री ब्रदर्स वर प्रेजेंट अर्थात हम तीनों भाई वहां मौजूद थे। मदर वॉज नॉट टू बी सीन, मां कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि बच्चों जब घर का बंटवारा होता है तो दृश्य माता के लिए देखना बड़ा ही दुखद होता है, इसलिए मां जो है आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मदर वॉज नॉट टू बी सीन एनी वेयर इन द विशिनिटी, इन द विशिनिटी का मतलब होता है बच्चों नियर बाई, नियर बाई का मतलब इधर उधर मां कहीं भी जो है दृष्टिगोचर नहीं हो रही थी। द सीन ऑफ द पार्टीशन ऑफ हर हाउस, उसके घर का बच्चों जो पार्टीशन हो रहा था उसका दृश्य जो था दैट वॉज अनबियरेबल और अनटोलरेबल फॉर द मदर। द इसलिए बोला क्योंकि वो मेरी नहीं, उसकी है। जब आप अपनी मां की बात करते हो तो मदर बोलना चाहिए, लेकिन जब दूसरे की मां की बात करते हो तो द मदर बोलना चाहिए। पादर ये नहीं होता बच्चों अपना वाला, और द पादर का मतलब दूसरे का, ठीक है ना? बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मदर वॉज नॉट टू बी सीन, मां कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। एनी वेयर का मतलब कहीं भी नहीं, तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। इन द विशिनिटी माने आस पास, आस पास का मतलब बच्चों इधर उधर, इधर उधर मां जो है कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। वी वर वेटिंग, वेट के बाद में क्या आता बच्चों? फोर, यह आता वेट के बाद इन, ध्यान दो, दो ही प्रीपोजिशन वेट के बाद में ज्यादातर देखे जाते हैं। एक तो होता वेट फोर, एक होता वेट इन। जैसे शी इज वेटिंग इन द रूम, ये सही है। वी आर वेटिंग फॉर देम, हम उनका वेट कर रहे हैं, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चों आपको दिया जाता वी आर वेटिंग ऑफ देम, जो हमेशा गलत होता है। वेट शैल नेवर बी फॉलोड बाई ऑफ, वेट वर्ब के बाद में ऑफ का प्रयोग कभी नहीं आता है, ध्यान दो। वेट के बाद में तो बच्चों फोर आता है, जरा ध्यान देना, वेट फोर, ये तो ठीक है। लेकिन बच्चों आपको दिया जाता अवेट, और इसके बाद में भी फोर दे दिया जाता है, ये गलत होता है। आई एम अवेटिंग यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। बोथ द सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट, दोनों सही हैं। अवेट के बाद में फोर नहीं आएगा, वेट के बाद में फोर जरूर आएगा। आई एम वेटिंग ऑफ यू, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। कैसा गलत है ये बच्चों? सरासर गलत है। तो बातें समझ में आ रही है? छोटी छोटी बातें हैं ये, जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। वेट फोर होता है बच्चों, वेट इन होता है, ठीक है। वेट फोर का बराबर क्या होता है? अवेट होता है। जब आप आगे ए लगा देते हैं अवेट, तो उसके बाद में फोर का प्रयोग नहीं होता। जैसे कंपनी, और एक होता बच्चों अकंपनी, अकंपनी, जैसे शी अकंपनीड विद हर मदर, तो बच्चों ये विद हटेगा, शी अकंपनीड हर मदर, उसने अपनी मां को क्या दी? अपनी सोहबत दी, अपनी संगत दी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अकंपनी के बाद में विद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अकंपनी के बाद में विद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अवेट के बाद में कभी फोर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और बच्चों डिस्कस के बाद में, डिस्कस के बाद में कभी अबाउट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऑर्डर के बाद में कभी फोर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे आई ऑर्डर्ड फॉर लंच, नो, होटल में आप गए, आपको आई ऑर्डर्ड लंच, मैंने लंच ऑर्डर किया। अब बच्चा मुझसे सवाल पूछता है, एक ठेढ़ा सा सवाल, एक वक्र प्रश्न, क्या कि सर आपने लंच को ऑर्डर किया या बेरे को ऑर्डर किया? ये तो सच है कि मैंने बेरे को ऑर्डर किया, लेकिन मैंने उसको क्या ऑर्डर किया? मैंने बच्चों उसको लंच ऑर्डर किया। तो लंच ऑब्जेक्ट है, क्या का जवाब दे रहा है? तो ये भाषा का अंतर है बच्चों, दिस इज द डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज, को इसी रूप में आपको समझना होगा। आइए बढ़ाए अपनी बात। वी आर वेटिंग फॉर द फाइनल सेपरेशन, वी आर वेटिंग फॉर द फाइनल पार्टीशन, वी आर वेटिंग फॉर द फाइनल डिवीजन। समझ में आ गया? जा हम अंतिम बंटवारे का इंतजार कर रहे थे, हम अंतिम विभाजन की प्रतीक्षा कर रहे थे। एज इट मानो रेडी टू स्लाइस आउट, एज इट रेडी टू स्लाइस आउट द फ्लेश ऑफ द डोमेस्टिक बॉडी। देखो बच्चों, यहां एक अलंकार है जिसको हिंदी में दो सांग रूपक अलंकार कहते हैं,
और मानवीकरण अलंकार भी यहां पर पर्सोनिफिकेशन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वो भी आप देख सकते हैं। तो यहां बच्चों ये बताया गया है कि वी आर अवेटिंग द सेपरेशन, वी आर अवेटिंग द फाइनल सेपरेशन। देखो वेट के बाद फोर नहीं बोला है मैंने, हम फाइनल सेपरेशन अर्थात अंतिम बंटवारे की प्रतीक्षा कर रहे थे, हम अंतिम विभाजन की प्रतीक्षा कर रहे थे। एज इफ यानी होता है बच्चों मानो, ये एजिप का मतलब बच्चों मानो होता है, हिंदी में जहां भी ये मानो आ जाता है वहां कौन सा अलंकार पाया जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। सो तोड़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आत प्रियो प्रभात। अंग्रेजी में नहीं होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। फिर बताया क्यों, क्या फर्क पड़ रहा है बच्चों, काम आ जाएगा दोबारा हिंदी में काम आ जाएगा, दिक्कत क्या है। तो एजिप दूसरी बात बच्चों इसमें क्या है कि ये जो डोमेस्टिक बॉडी, जान दो डोमेस्टिक बॉडी का मतलब होता है बच्चों द बॉडी ऑफ द हाउस, घर रूपी शरीर, गृह रूपी शरीर। तो ऐसा लग रहा था मानो बच्चों कि ये घर एक शरीर की तरह है और पार्टीशन के नाम पर, विभाजन के नाम पर वी वर रेडी टू स्लाइस आउट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस। और बच्चों विभाजन के नाम पर हम इसे इस गृह रूपी निकाय, ये बच्चों जो गृह निकाय है आप जानते हैं बॉडी को हिंदी में क्या बोलते हैं, नी का ये बच्चों काया है ना, ये काया ही निकाय होती है, नी से कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जो गृह रूपी निकाय है हम इसके अंग प्रत्यंग को बच्चों विभाजन के नाम पर क्या कर रहे थे, स्लाइस आउट का मतलब जानते हो, स्लाइस आउट का एक एक फांक, जैसे मान लो आपकी नारंगी निकाली आपने, नारंगी की एक एक फांक आप बाहर करते हो, तो उसी प्रकार से हम इसका जो एक एक अंग है बच्चों उसको फांकों की तरह क्या करने वाले थे, हम उसको अलग अलग करने वाले थे। वी वर वेटिंग फॉर द फाइनल सेपरेशन, हम अंतिम बंटवारे का इंतजार कर रहे थे, एज इफ रेडी, एज इफ वी ऑल वर रेडी, मानो हम सब तत्पर थे, तैयार थे टू स्लाइस आउट द फ्लेश, यानी बच्चों इसका जो मास है, फ्लेश यानी होता है मास, टू स्लाइस आउट द फ्लेश ऑफ द डोमेस्टिक बॉडी। अर्थात ऐसा लग रहा था मानो ये जो गृह रूपी निकाय है इसके मास के जो लोथड़े हैं उनको हम क्या कर रहे थे, स्लाइस आउट अर्थात उनकी एक एक फांक बाहर निकाल करके हम पाती पाती जो है उनको बांट लेना चाहते थे विद आवर पेरेंट्स एंड नृष्ण। और बच्चों ध्यान दो, ये जो घर रूपी निकाय है इसमें एक एक तिनका जोड़ करके, ठीक है, मैंने तिनका जोड़ जोड़ करके जो सुंदर नीड़ बनाया था, तो ये जो घर रूपी घोंसला है, ये घर रूपी जो निकाय है बच्चों, ये एक एक तिनका जोड़ जोड़ करके बड़े प्यार से हमारे माता पिताओं के द्वारा इसको पल्लवित किया गया था, इसको पोषित किया गया था, इसको बनाया गया था। तो वह घोंसला जो इतने प्यार से है, जो मेरे हमारे माता और पिता के प्रेम की निशानी था, उस बच्चों उस घर रूपी घोंसले का एक एक तिनका जो हम क्या करने वाले थे, अलग करने वाले थे, हम उसका एक एक तिनका अलग करने वाले थे। तो जरा देखना, विच आवर पेरेंट्स हैड नरिश्ड, जिसको हमारे माता पिताओं ने बहुत सार संभाल करके बढ़ाया था, सिंस द डे ऑफ देयर मैरिज, अर्थात उनके विवाह के दिन से ही। यानी ये घर जो है बच्चों, ये घर रूपी घोंसला किसकी निशानी था, ये मेरे माता और पिता के प्रेम की निशानी था, ये उनके दाम्पत्य जीवन की निशानी था, और जिस दिन से वो दोनों दाम्पत्य जीवन में बंधे थे उसी दिन से उन्होंने एक एक दिन का जोड़ जोड़ करके इस घर रूपी घोंसले का निर्माण किया था, इसको सार संभाल करके रखा था। और आज हम उनकी तीनों औलादें क्या कर रही थी, हम बच्चों उस घर को जो है उसका तिनका तिनका हम जो है चकनाचूर चकनाचूर करने वाले थे। बंटवारा एक आंधी है, इस बंटवारे की आंधी में इस घोंसले को क्या हो जाना, चकनाचूर हो जाना। एंड देन और फिर बच्चों वी वुड रन अवे, और फिर हम क्या भागे, क्या लेके, मैं अपनी पाती का जो है इस ग्रह रूपी, ये जो घर रूपी शरीर है इसमें मेरी पाती का मांस लेके मैं उधर भागा, मेरा भाई उधर भागा, तेरा दूसरा भाई उधर भागा। एंड देन वी वुड रन अवे, और बच्चों उसके बाद में हम भागे इन द थ्री डिफरेंट डायरेक्शंस, अर्थात तीन अलग अलग दिशाओं में। क्लचिंग माने बच्चों पकड़ते हुए, पीस ऑफ ईच यानी हम तीनों उसका एक एक टुकड़ा जकड़ कर पकड़े हुए, हम तीनों उस मांस का एक एक टुकड़ा जकड़ करके पकड़े हुए। उसके बाद में जो हम तीनों अलग अलग दिशाओं में जो है भागे, या भागने वाले थे। तो ऑल हाउस होल्ड आर्टिकल्स वर हीप्ड, घर के तमाम सामान, ध्यान दो बच्चों, ऑल द हाउस होल्ड आर्टिकल, आर्टिकल यानी क्या होता है, आर्टिकल का मतलब जैसे पत्रकारिता के अर्थ में होता है, साहब उसने एक आर्टिकल लिखा तो लेख होता है। संविधान के क्षेत्र में आर्टिकल बच्चों विभिन्न धाराएं वगैरह जो होती है उनको आर्टिकल कहते हैं, संविधान का फला आर्टिकल, डी का आर्टिकल। हम ग्रामर में आपको आर्टिकल पढ़ाते हैं, वो अग्र शब्द होते हैं जिनका प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है, नो नाउन नो आर्टिकल, ठीक है। और बच्चों आर्टिकल का मतलब साथ जो सामान होता है, तो यह बताया गया ऑल द हाउस होल्ड आर्टिकल्स,
यानी घर का तमाम साजो सामान वर हीप्ड माने उसका ढेर लगा दिया गया इन द फैमिली कोर्ट यार्ड यानी परिवार की गुआड़ी में। घर का जितना भी ताम झाम था उस तमाम ताम झाम को एक ढेर के रूप में ला करके बच्चों उन सबका एक ढेर जो उन सबका ढेर क्या कर दिया बच्चों बिल्कुल गुआड़ी के बीचों बीच क्या कर दिया हमने उसका ढेर लगा दिया ताकि सब पंच पटेल देख सके कि घर में इतना माल है और इस माल का जो है बंटवारा इस तरीके से करना है किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं करना है। देयर वर टू बी डिवाइडेड दीज वर टू बी डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट ध्यान दो बच्चों डिवाइड इन टू पार्ट होता है डिवाइड इन हाफ होता है डिवाइड के बाद बच्चों अगर हाफ आ रहा तो डिवाइड इन हाफ होगा लेकिन डिवाइड के बाद यदि पार्ट्स आएगा तो आपको डिवाइड इनटू पार्ट्स का प्रयोग करना चाहिए। वजह क्या है इनटू का प्रयोग बच्चों पूर्ण परिवर्तन के सेंस में किया जाता है जैसे आइस मेल्ट्स इनटू वाटर यानी जो बर्फ होती है बच्चों अगर पानी में पिघलती है पूर्ण परिवर्तन होता है। ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू हिंदी इस पैसेज को हिंदी में अनुवाद करो तो अंग्रेजी से आप हिंदी में करोगे तो आमूलचूल परिवर्तन होगा ना इसलिए इनटू का प्रयोग होगा। समझा इंटू का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है एक तो बच्चों बाहर से अंदर की ओर आता है कोई गति के साथ आता है तो इंटू आता है और जब किसी चीज में पूर्ण परिवर्तन होता है तब भी आप इंटू का प्रयोग करते हो। आगे बात समझ में कि नहीं आई ओल्ड हाउस ओल्ड आर्टिकल्स वर हीप्ड इन द फैमिली कोर्ट यार्ड यानी घर का तमाम साजो सामान या घर का जितना भी जो सामान शट्या था वह सारा घर की गुआड़ी के अंदर ला करके रख दिया गया। दीज वर टू बी डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट और बच्चे सारे ताम झाम को तीन भागों में बांटना बांटा जाना था। ऑल द स्मॉल थिंग्स ऑफ द हाउस घर की सब छोटी छोटी चीजें ऑल द स्मॉल थिंग्स ऑफ द हाउस घर की छोटी छोटी चीजें किसान के घर में क्या मिलेगा बच्चों खुरपी मिलेगी कुदाली मिलेगी और क्या मिलेगा और बच्चों बासा मिलेगा है ना ये सब चीजें हैं। ऑल द स्मॉल थिंग्स ऑफ द हाउस यानी घर की सब छोटी छोटी चीजें ऑलमोस्ट एवरीथिंग लगभग सब मूवेबल यानी बच्चों सभी लगभग सभी चल वस्तुएं स्टार्टिंग फ्रॉम द लेडल्स लगभग सभी चल वस्तुएं जिनमें क्या शामिल थी बच्चों जिसमें घर की लेडल्स का मतलब कड़छियां शामिल थी कड़छियां होती है कि नहीं होती है तो कड़छी से आप क्या करते हो जानते हो चूल्हे के अंदर कड़छी होती है जानते भी हो नहीं जानते हो हालांकि मुझे सुनने वाले बच्चे ज्यादातर गांव के जानते होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द लेडल्स। तो बच्चों ये सामान कहां से शुरू था इस सामान के अंदर बच्चों कड़छियों से लेकर के मेड आउट ऑफ कोकोनट शेल्स जो किससे बनी थी जो बच्चों कोकोनट शेल का मतलब होता है जो नारियल के छिलकों से बनी थी एस एच ई डबल एल शेल यानी छिलका या कवच होता है जैसे ई डबल जी एग शेल यानी अंडे का कवच अंड कवच तो अंडा होता है सफेद जक होता है उसके अंदर पानी होता है तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है बच्चों उसको आप एग शेल या अंड कवच कहते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द लेडल्स मेड आउट ऑफ कोकोनट शेल्स इसका मतलब बच्चों नारियल के छिलकों से बनी कड़छियों से लेकर के एंड बांबू यानी नारियल के छिलकों और बांबू यानी बांस नारियल के छिलकों और बांबू से बनी कड़छियों से लेकर के टू द लिटिल बॉक्स वो छोटी सी डिब्बी तक भी बच्चों शामिल थी जिसको घर में ला करके रखा गया वेयर ठीक है बच्चों तो इसमें बताया गया कि वेयर का इन विच फादर यूज टू कीप हिज बीटल्स जिसमें पिताजी क्या रखा करते थे जिसमें पिताजी अपना पान रखा करते थे पान खाते थे पिताजी तो बीटल यानी बच्चों पान होता है जरा ध्यान दो दो शब्द बताऊंगा आपको तो आपका दिमाग जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बच्चों बीटल है बी डबल ई टी एल ई ध्यान दो बीटल यानी होता भौंरा ठीक है भौंरा होता ना भौंरे ने खिलाया फूल ये वाला भौंरा और एक है बच्चों बी ई टी ई एल बीटल इस बीटल का माने क्या होता है इसका मतलब होता है बच्चों नागरबेल का पान क्योंकि ऐसा है आपको नीम के पत्ते दे दे खाने के लिए थोड़ी खाओगे आप हालांकि बहुत अच्छी चीज है खा लेनी चाहिए पर पत्ते बच्चों पान अपन किसका खाते हैं नागरबेल का खाते हैं जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं तांबूल पंडित जी महाराज बोलते हैं शादी वगैरह कराते हैं ताम पूजा कराते हैं तांबूलम समर्पयामी यानी तांबूल को क्या कर दो चढ़ा दो। तो इस क्रम में बच्चों अपनी बात जारी रहेगी परंतु इससे पहले हम लेंगे दो मिनट का ब्रेक।
तमाम छोटी छोटी मोटी छोटी छोटी चीजें बच्चों घर के दालान में ला करके रख दी गई, घर की गुआड़ी में ला करके रख दी गई। और बच्चों ये चीजें कहां से शुरू हो रही थी? तो मैंने कहा ये बच्चों ये नारियल के छिलकों तथा बांबू यानी बांस, नारियल के छिलकों और बांबू यानी होता है बच्चों बांस। बांस को और क्या बोलते हैं? ये बच्चों हिंदी का शब्द है, ठीक है, कीचक यानी बांस होता है, ठीक है। तो नारियल के छिलकों और बांस से बनी हुई करछियों से लेकर के बच्चों छोटी से छोटी जो एक छोटी डिब्बी थी, इन विच फादर यूज टू कीप हिज बीटल्स, जिसमें पिताजी अपने क्या रखते थे, जिसमें पिताजी अपने पान रखा करते थे बच्चों, उसका भी बंटवारा होगा, उसकी भी पांती होगी, सब चीजें ला करके रख दी गई। नेक्स करवाड़िया खुलाड़ी एंड ओल्ड रेडियो, और बच्चों पुराना फिलिप्स का रेडियो, बहुत बड़ी बात थी इस घर में रेडियो था, ये तो काफी अच्छे और खाते पीते लोग होंगे। तो नेक्स एंड द ओल्ड रेडियो सेट, यानी कुल्हाड़ी लाके रखी गई, पुराना जो है बच्चों फिलिप्स का रेडियो का सेट था वो लाके रखा गया। टू यानी भी हैड बीन प्रोड्यूस्ड, यानी उसको भी प्रोड्यूस कर दिया गया, प्रोड्यूस जानते हो, प्रस्तुत कर दिया गया। हैड बीन प्रेजेंटेड, हैड बीन प्रेजेंटेड अर्थात उस सबको सबके सामने प्रस्तुत कर दिया गया। अब देखो बच्चों आइए सुनो, ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स वॉज मेड, ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स, ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स। देखो बच्चों यहां आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हो, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम है, जरा ध्यान से समझा। सेंटेंस बच्चों यूं है, ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स, ठीक है, और आज आ गया मेड। अब बच्चों प्रश्न यह है कि इसमें क्या भरूं, मेरा मतलब इसमें वाज भरूं या वर भरूं। तो आप इस बात को जरा दिमाग लगाओ बच्चों, मेरा सवाल यह है कि वाज वर तो आ जाएगा, पर मुझे बताओ इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। तो सब लोग ये जानते हो, ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स का मतलब होता है बच्चों तमाम सामानों, देखो उल्टा अनुवाद होगा, तमाम सामानों की एक लंबी सूची, तमाम सामानों की एक लंबी सूची वाज माने थी, मेड यानी बनाई गई। तो बच्चों आप बताओ इस वाक्य का कर्ता क्या है? तो इस वाक्य का कर्ता है बच्चों इतना सारा, इसका कर्ता है। जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बच्चों बड़ा होता है, उसमें एक से ज्यादा शब्द होते हैं, तो आप उसको क्या बोलते हैं? जरा आप देखना बच्चों, ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स इतना बड़ा ही, तो बच्चों देयर आर सो मेनी वर्ड्स, कई शब्द हैं, तो आप इसको कह सकते हो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या कह सकते हो इसको, एक शब्दों का समूह कह सकते हो, और ये शब्दों का समूह ऐसा बच्चों जिसमें क्रिया नहीं है, इसलिए इसको क्या कहोगे, फ्रेज कहोगे, और चूंकि इसका प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर यानी नाउन के स्थान पर हुआ है, इसलिए इसको नाउन फ्रेज कहोगे। एक बात तो ये, दूसरे बच्चों आपसे सवाल पूछा जाएगा, ये बताओ इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है? तो मैंने कहा पूरा सब्जेक्ट है। अब प्रश्न ये है कि इसमें रियल सब्जेक्ट क्या है? तो बच्चों ए लॉन्ग लिस्ट, ये बच्चों ये रियल सब्जेक्ट है, और ये ए लॉन्ग इसका विशेषण है, इसको प्री मॉडिफायर कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको जरा बताना? प्री मॉडिफायर। ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं विच आर प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू मॉडिफाई और क्वालिफाई दैट। आ गई समझ में? प्री मॉडिफायर बच्चों ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग किसी नाउन के पहले किया जाता है, उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसको क्वालिफाई करने के लिए, उसकी विशेषता बताने के लिए। बात समझ में आ गई है? आगे देखो, अब बच्चों लिस्ट किसकी है? ऑफ ऑल द आइटम्स, तमाम आइटम्स की। ये पीछे से इसकी विशेषता बता रहा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? पोस्ट मॉडिफायर हो जाएगा। जानते हो मोबाइल में चलता है कि नहीं चलता? प्री पेड और पोस्ट पेड। तो बच्चों प्री यानी पहले होता है और पोस्ट यानी उत्तर या बाद में होता है। क्लियर हो गया है? तो ये बच्चों क्या पूर्व विशेषण हो गया और ये क्या उत्तर विशेषण हो गया, विशेषणोत्तर अर्थात ये बाद वाला विशेषण हो गया, ठीक है। अब बच्चों क्रिया इसके आधार पर है कि ये जो रियल सब्जेक्ट है ना, ये और कुछ नहीं है बच्चों, ये तो गहना है, जैसे हमारा शरीर है तो सब कुछ है अपनी जगह, लेकिन अंदर तो क्या आत्मा है, वो इंपॉर्टेंट है, वो नहीं है तो फिर सब बेकार है। उसी तरीके से बच्चों ये शब्द अगर हटा दिया जाए तो सेंटेंस पूरा बेकार है। तो मेरा कहने का मतलब ये बच्चों यहां रियल सब्जेक्ट है, चूंकि ये एक वचन है इसलिए ये नहीं बल्कि ये आना चाहिए। बोलो समझ में आ गया क्या? इस प्रकार की बनावट को बच्चों हम क्या बोलते हैं, ध्यान दो, अलोंग लिस्ट। ये जो बच्चों लिस्ट शब्द है ना,
और ये ऑफ ऑल द आइटम्स, ये बच्चों ये पेरेंट वर्ड है और इसी के साथ इसका यूज हुआ, इसलिए इस प्रकार की बनावट को आप बोलते हो पेरेंथेटिकल एक्सप्रेशन। इस प्रकार की बनावट को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, पेरेंथेटिकल एक्सप्रेशन बोला जाता है। अब मैं आज अपनी बात को बढ़ाता हूं। द एक्स एंड द ओल्ड रेडियो सेट टू, माने खुलाड़ी और पुराना रेडियो सेट तक, यानी रेडियो सेट भी, हेड बीन प्रोड्यूस्ड, माने वहां ला करके प्रस्तुत कर दिया गया, उपस्थित कर दिया गया, लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स वॉज मैड, यानी तमाम सामानों की बहुत बड़ी फेहरिस्त, तमाम सामानों की बहुत बड़ी फेहरिस्त या सूची बनाई गई। नथिंग वॉज स्पेयर्ड, नथिंग वॉज स्पेयर्ड, यानी कुछ भी नहीं छोड़ा गया। ध्यान दो, नथिंग से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता बच्चों तो नथिंग अपने बाद हमेशा क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। नथिंग वॉज, नथिंग इज, ठीक है, इस तरीके से आप बोलते हो तो नथिंग वॉज स्पेयर्ड, कुछ नहीं छोड़ा गया। ना इधर था डिंकी, डिंकी भी नहीं छोड़ी गई। अब आप पूछेंगे साहब डिंकी क्या है, तो बच्चों ब्रैकेट में समझाया, वुडन राइस क्रशर, माने चावल कूटने की लकड़ी की मोसड़ी होती है, उसको डिंकी कहते हैं। इधर नहीं चलती बच्चों, उड़ीसा का पार्ट है। पूर्वी भारत के अंदर क्या होता है, चावल कूटने के लिए क्या होता है, एक चावल कूटने के लिए लकड़ी की मुसड़ी होती है और उसको आप उसको कहते हैं डिंकी। तो नाइदर द डिंकी नॉर द लिटिल फिगर्स ऑफ द फैमिली आइडल्स, मजे की बात सुनो, कुछ नहीं छोड़ा गया, यहां तक कि लकड़ी से बनी हुई चावल कूटने की डिंकी नहीं छोड़ी गई और देवताओं की तस्वीरें नहीं छोड़ी गई, उनकी भी पौती हुई। ये भगवान, ये फलाने लिंगराज भगवान की मूर्ति है, ये फलांडी का भगवान की मूर्ति है, तो मूर्ति ऐसा एक तरह से एक तुरेगा और एक मेलूंगा, इस तरीके से मूर्तियों का भी क्या हुआ बच्चों, विभाजन हुआ। नोर द लिटिल फिगर्स, छोटी छोटी मूर्तियां भी नहीं छोड़ी गई है ना, ऑफ द फैमिली आइडॉल्स। इसका मतलब बच्चों जो फैमिली आइडॉल है अर्थात जो मूर्ति की छोटी छोटी तस्वीरें हैं, जो परिवार की जो आइडॉल है उनकी जो फिगर्स अर्थात उनकी मूर्तियां उनको भी नहीं छोड़ा गया। जो परिवार के जो आराध्य देवता है, आइडॉल माने जो परिवार के आराध्य जो साध्य देवता इष्ट देवता है, उनकी मूर्तियों को भी नहीं छोड़ा गया। हाय साहब माय एल्डर ब्रदर राइज, हाय साहब माय एल्डर ब्रदर राइज, बच्चों मैंने अपने बड़े भाई को उठते हुए देखा। ये मजे की बात है बच्चों, ये सेंटेंस थोड़ा स्पेशल होता है कि जिस सेंटेंस में बच्चों सा आ जाता है ना, सा यानी सी वगैरह, तो आगे बच्चों जो वर्ब आती है राइज, वो राइज ही आएगी, उसमें आई एन जी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे हियर भी होती है, जैसे आई हर्ड हर स्टार्ट द कार, मैंने उसको कार को स्टार्ट करते हुए देखा, एंड आई साहब माय एल्डर ब्रदर राइज, अर्थात मैंने अपने बड़े भाई को उठते हुए देखा। उनको बड़ा थोड़ा दुख हुआ होगा, वो उठे और इतने ईमानदार थे कि उनके हाथ में उन्होंने क्या पहनी हुई थी, रिस्ट वॉच पहनी हुई थी, उसको भी निकाल के उन्होंने कहां रखा, उस ढेर के ऊपर लाकर रखा। ही स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, आप पल भर के लिए वो ठहर गए, नियर द पाइल, नियर द हीप, जानते हो हीप यानी क्या होता है ढेर, तो जो ढेर है बच्चों ऑफ द थिंग्स यानी चीजों का जो ढेर है उसके पास, वो पल भर के लिए ठहर गए। एंड अनफास्टन्ड, और बच्चों उन्होंने खोला क्या, द स्ट्रैप यानी फीता ऑफ इज रिस्ट वॉच, और उन्होंने अपनी जो कलाई घड़ी है उसका फीता भी खोला। एंड प्लेस्ड इट, और इसको रख दिया, कहां रख दिया बच्चों, ऑन द हीप, अर्थात उसको भी ढेर पर रख दिया, विद अदर थिंग्स यानी अन्य चीजों के साथ, परहैप्स यानी शायद, ए टियर ट्रिकल डाउन हिज चीक, शायद आंसू की एक बूंद उनके गालों से नीचे लुढ़क पड़ी थी, जो दूर से चमचमाती हुई मुझे दिखाई दी थी, पर औरों को जो है कहां समय था कि उनके आंसुओं को देखे, उनके आंसुओं की कदर करे, शायद आंसू की एक बूंद उनके गालों पर से लुढ़क गई थी, विद ए हेवी साई, अर्थात एक गहरी आह भरते हुए ही लेफ्ट द प्लेस, अर्थात वो जगह को छोड़कर चले, एक गहरी आह भरकर वो उस जगह को छोड़कर के चले गए, क्योंकि बच्चों को जो हृदय विदारक दृश्य था उसको वो भी नहीं देख सकते थे, क्योंकि इनके जो बड़े भाई थे उनकी भूमिका भी किसके समान थी, उस पिताजी के बाद में जो उनकी भूमिका भी पिताजी के समान ही थी, और उन्होंने उस भूमिका को बखूबी निभाया भी। ठीक है बच्चों, आगे जरा देखना, आई हैड ऑफन हर्ड हिम से, देखो बच्चों हर्ड आ रहा है और आगे से आ रहा है, मैंने कहा था ना हर्ड आ रहा है, जैसे आई हर्ड हर स्टार्ट द कार, तो मैंने स्टार्ट बोला था, तो यहां भी बच्चों से नहीं जुड़ेगा। देखो ये दोनों अच्छे बड़े निराले हैं, आई हैड ऑफन हर्ड हिम से, अर्थात मैंने प्राय उनको यह कहते हुए सुना था, दैट क्या कि फादर हैड बॉट हिम दैट रिस्ट वॉच, की पिताजी ने, फादर हैड बॉट दैट रिस्ट वॉच फॉर हिम, अर्थात पिताजी ने उनकी उसके लिए, पिताजी ने जो है उनके लिए अर्थात अपना जो टिकाए थे बेटा उसके लिए ये जो रिस्ट वॉच है वो खरीदी उनको दी थी, वैन ही वॉज इन इलेवंथ क्लास, जब वो ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ते थे, जब उनके बड़े भाई ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ते थे, तो एट दैट टाइम उस समय बच्चों क्या हुआ, जी पिताजी ने उस उनके लिए जो उनका उनका सबसे बड़ा टिकाए बेटा था उसके लिए उन्होंने क्या था वो घड़ी खरीद के दी थी, तो उस घड़ी से उनका बड़ा जुड़ाव था, उस घड़ी से उनका बड़ा लगाव था, उस घड़ी को जो वो किसी को देना नहीं चाहते थे। ऐसा होता है बच्चों, तो वो चीजें हैं तो उनसे प्यार प्यार होता है, बट आई ऑल्सो रिमेंबर वेल, परंतु मुझे ये बात भी बखूबी याद है
इन भाई एमए फाइनल ईयर की, जब एमए फाइनल के अंदर मैं पढ़ता था और पेशे की कमी पड़ गई थी, तब भाई साहब ने क्या नहीं किया, उस घड़ी को इतना प्यार करते थे लेकिन उन्होंने इसका मोह नहीं किया और किसी के गिरवी रख करके मेरे लिए फीस जुटाई थी उन्होंने। तो बड़ा याद तो रिमेंबर वेल, परंतु ये बात भी मुझे बखूबी याद है। इन माई एमए फाइनल ईयर, जब मैं एमए फाइनल में पढ़ता था, एड मोर गेचड़े उन्होंने गिरवी रख दिया था, दैट वॉच अर्थात उन्होंने उस घड़ी को गिरवी रख दिया था टू सेंड मी मनी, मुझे पैसा भेजने के लिए, टू गो टू दिल्ली फॉर एन इंटरव्यू, अर्थात एक साक्षात्कार के लिए मुझे दिल्ली भेजने के लिए, अर्थात एक साक्षात्कार के लिए मुझे दिल्ली भेजने के लिए। तब बच्चों उन्होंने क्या नहीं किया था, उस घड़ी के प्रति उनका इतना प्यार था, इतना मोह था, बावजूद इसके उन्होंने उस घड़ी को मोरगेज किया। मोरगेज का मतलब बच्चों रहन रखा, जैसे बैंक में क्या करते हैं, जमीन को क्या कर देते हैं, मोरगेज कर देते हैं। तो मोरगेज करना स्पेलिंग जरा ध्यान से देखो बच्चों, एम ओ आर टी, अब आप क्या करते हो, टी बोलते नहीं हो, तो जी ए जी, ये स्पेलिंग थोड़ी स्पेशल है, ध्यान देने लायक स्पेलिंग है ना। तो बच्चों इस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू के लिए मुझे भेजा, ही हैड सेंट मी एन अमाउंट ऑफ 150 रुपीज, उन्होंने बच्चों मुझे 150 रुपए की रकम भेजी थी, उन्होंने मुझे 150 रुपए की रकम भेजी थी कि जा इंटरव्यू देने जरूर जाना या मैं देख लूंगा। आई रिमेम्बर क्लियरली, सब याद है मुझे, बहुत साफ साफ याद है, दिल रो रहा है मेरा। नो नोज वेदर, कोई नहीं जानता इस बात को कि द रिस्ट वॉच वुड कम बैक टू हिम और नॉट, किसी को नहीं पता था कि रिस्ट वॉच अर्थात ये कलाई घड़ी वापस उनके भाई के पास आएगी या नहीं आएगी, किसी को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। लेकिन बच्चों वो बातें सब मुझे अच्छे से याद है। एक्शन सीम्ड सिंबॉलिक, उनका ये कार्य जो है प्रतीकात्मक प्रतीत हो रहा था, उनका ये कार्य प्रतीकात्मक प्रतीत हो रहा था। ऑन ही स्नेपिंग, हाँ बच्चों, जब उन्होंने अपनी कलाई घड़ी को खोल करके उस ढेर के ऊपर रखा, तो बच्चों ये इस बात का प्रतीक था कि उनको इस घर से अब क्या हो गया है, इस घर के प्रति उनका मोह भंग हो गया है, इस घर के प्रति बच्चों उनका मोह भंग हो गया है, क्योंकि उनके जज्बातों को बाकी लोगों ने जरा बिल्कुल भी नहीं समझा। तो नो वन, ये देखो बच्चों, हिज एक्शन सीम्ड सिंबॉलिक, अर्थात उनका एक कार्य बच्चों प्रतीकात्मक प्रतीत हो रहा था। ओनली स्नेपिंग ऑल इज अटैचमेंट विद द पास्ट, अर्थात पूरे अतीत के साथ में जो उनका अटैचमेंट जो लगाव था वो सारा का सारा स्नेप हो गया, अर्थात पूरा मोह भंग हो गया। शायद इस बात का प्रतीक था उनके द्वारा उनके हाथ से उनकी जो कलाई घड़ी उसको उतार करके उसे ढेर पर रख देना, वो साइलेंट। मैं शांत था क्योंकि मैं कसूरवार था, जो कसूरवार होगा तो क्या करेगा, चुप ही रहेगा। तो आई वो साइलेंट, अर्थात मैं शांत था। माई एल्डर सिस्टर इन लॉ, अर्थात जो मेरी बड़ी भाभी है, एल्डर नहीं बच्चों, यहां ओल्डर आना चाहिए, ध्यान दो। एल्डर का प्रयोग तब किया जाता है जब आपके बीच में ब्लड रिलेशन होता है, जैसे आई एम एल्डर देन, आई एम एल्डर टू यू, ये गलत है, मुझे कहना चाहिए आई एम ओल्डर देन यू। ओल्डर अपने बात देन लेता है, एल्डर अपने बात टू लेता है। एल्डर का प्रयोग बच्चों ब्लड रिलेशन में बड़ा होने के सेंस में किया जाता है, जबकि ओल्डर का प्रयोग आयु या एज में बड़ा होने के सेंस में किया जाता है। तो यहां पर ये बिल्कुल गलत प्रयोग है, पर बच्चों तो लेखक मोदी ने किया, इसलिए इसमें अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, पर ठीक है। तो माई ओल्डर सिस्टर इन लो वॉज इन द बैकयार्ड का मतलब बताया था आपको, पिछवाड़ा, जैसे गुआड़ी होती है तो वो तो कोर्टयार्ड है और बैकयार्ड गया है पिछवाड़ा है। तो मेरी जो बड़ी भाभी वो कहां खड़ी थी, मेरी बड़ी भाभी जिन्होंने मुझे अपनी संतान के समान पाल करके पोष करके बड़ा किया था, वो पिछवाड़े में खड़ी थी। लेकिन वो एक ऐसी पतिव्रता स्त्री थी, एक ऐसी तमीजदार औरत थी कि वो अपने पति के विरुद्ध बिल्कुल नहीं बोलती थी भी इनको जैसा करना वैसा ये कर लें, ठीक है। ऐसी शरीफ औरत थी वो, तो पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन उसके बावजूद भी क्या बहुत ही सुसंस्कृत थी, ठीक है। तो माई ओल्डर सिस्टर इन लो वॉज इन द बैकयार्ड, अर्थात जो मेरी बड़ी भाभी थी वो घर के पिछवाड़े में थी। माई सेकंड ब्रदर वॉज ऑफन विस्परिंग, और मेरा छोटा भाई जो था, जिस पूरी कहानी का मोजिम्बो है, जिस पूरी कहानी का खलनायक है, वो क्या है बच्चों, जो मेरा छोटा भाई था, वो ऑफन विस्परिंग करता, तो बार बार आता था अपने लुगाई के कान में जाकर कुछ कह के जाता, वो ऑफन विस्परिंग थिंग्स, यानी वो कुछ फुसफुसा रहा था इनटू हिज वाइफ्स ईयर, अर्थात अपनी घरवाली के कान में आकर के जो कुछ ना कुछ फुसफुसाता था, दोनों पता नहीं क्या सारी गुप्त बातें कर रहे थे। एंड वॉज देयर वर टेकिंग हिज प्लेस, एंड वॉज देयर टेकिंग हिज प्लेस विद अस, और बच्चों क्या है, और फिर हमारे पास आकर के बैठ जाता था। And was there taking his place with us, और फिर आकर के वो हमारे पास आकर के बैठ जाता था। It was like the butcher's knife, मुझे ऐसा लग रहा था मानो कोई कसाई का चक्कू हो। It was like the butcher's knife, अर्थात ये कसाई के चक्कू की तरह था। Going to the stone, जो बार बार पत्थर के ऊपर जा रहा था, to sharpen itself, यानी कसाई का चाकू जो बार बार पत्थर के ऊपर घिसा जा रहा था, ताकि इसको और ज्यादा धारदार बनाया जा सके, ताकि इसको और ज्यादा क्या बनाया जा सके बच्चों, ताकि इसको बहुत ज्यादा धारदार बनाया जा सके। The elder brother was calm and composed, लेकिन जो एल्डर ब्रदर थे बच्चों वो इस सारे दृश्य से विचलित नहीं हो रहे थे, वो calm and composed का मतलब बच्चों वो शांत थे और संतुलित थे।
वो शांत थे और संतुलित थे, वो बिल्कुल शांत थे और संतुलित थे, लाइक ए परफेक्ट जेंटलमैन अर्थात एक भद्र पुरुष की तरह ही वॉज लुकिंग एट द प्रोसीडिंग्स डिस्पेशनेटली अर्थात तमाम जो कार्रवाई हो रही थी उसको वो देख रहे थे विरक्त भाव से. वॉज लुकिंग एट ऑल द प्रोसीडिंग्स तमाम प्रोसीडिंग्स यानी जो कार्रवाई हो रही थी उस कार्रवाई के ऊपर बच्चों वो देख रहे थे. कैसे देख रहे थे? उस कार्यवाही के ऊपर बच्चों. कार्यवाही बोलते हैं पर जो होता गलत है, कार्रवाई बोलना चाहिए. कार्यवाही क्या है? कार्यवाही का मतलब तो है जो कार्यवाहक जो कुछ समय के लिए काम करे उसको कार्यवाही बोलते हैं. अर्पण कहते हैं साहब आपने इस मामले में क्या कार्यवाही की. तो कार्यवाही बच्चों शब्द नहीं है, अशुद्ध शब्द हो, कार्रवाई होता कार्रवाई. ठीक है. सारा काम विरक्त होकर के देख रहे थे एग्जैक्टली एज ही हैड डन ऑन द डे ऑफ द सेक्रेट थर्ड सेरेमनी ऑफ हिज सन. ठीक उसी प्रकार से जिस दिन उनके बड़े बेटे की क्या हुई थी बच्चों सेक्रेट थर्ड सेरेमनी का मतलब होता है यज्ञोपवीत संस्कार. जिस दिन एग्जैक्टली एज यानी ठीक वैसे ही जैसे ही हैड डन ठीक वैसे ही जैसे कि उन्होंने किया था. किस दिन? ऑन द डे ऑफ द सेक्रेट थर्ड सेरेमनी यानी यज्ञोपवीत संस्कार के दिन ऑफ हिज सन अर्थात उनके बेटे के यज्ञोपवीत संस्कार के दिन जैसे वो चुपचाप विरक्त भाव से खड़े थे ठीक आज भी वैसे ही खड़े हैं. एंड ऑन द डे ऑफ माई मैरिज और जिस दिन मेरी शादी हुई थी उस दिन भी वो बिल्कुल विरक्त भाव से खड़े थे. और जिस दिन छोटे इसके बेटे को यज्ञोपवीत किया गया उस दिन भी खड़े थे. आज भी जो इसी रूप में कैसे बिल्कुल शांत और संतुलित भाव से खड़े हुए हैं. इट वॉज द सेम प्री ऑक्यूपाइड उसका वही पूर्व व्यस्त एंड ग्रेव मैनर और बच्चों गंभीर ढंग था. तो क्या लिखा? इट वॉज द सेम प्री ऑक्यूपाइड यानी पूर्व व्यस्त एंड ग्रेव माने गंभीर मैनर माने ढंग यानी उनका किसका मेरे बड़े भाई का बच्चों वही पूर्व व्यस्त था गंभीर ढंग था उसी ढंग से जो वो खड़े थे. अटेंडिंग सिंसियरली टू हिज ड्यूटी जो बच्चों क्या कर रहे थे बड़ी निष्ठा के साथ में अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे. While discussing anything with my second brother यानी मेरे छोटे भाई से जो है किसी भी बात के ऊपर बातचीत करते हुए he had that same calm and composed voice. उनकी ध्वनि कैसी थी बच्चों? उनकी ध्वनि पहले की तरह काम यानी वही शांत और स्थिर आवाज थी उनकी. not a sign of disgust and regret उनके चेहरे के ऊपर बच्चों घृणा और पश्चाताप का एक भी चिन्ह नहीं था. उनके चेहरे पर घृणा और पश्चाताप का बच्चों क्या नहीं था? उनके चेहरे पर घृणा और पश्चाताप का एक भी जो है चिन्ह नहीं देख सकते थे आप. आई रिमेंबर द ईयर फादर डाइड मुझे वो दिन याद है जिस दिन हमारे पिताजी का क्या हुआ था स्वर्गवास हुआ था. आई रिमेंबर द डे मुझे वो दिन याद है कौन सा दिन The father died जिस दिन पिताजी का स्वर्गवास हुआ था. We had to live under a great financial strain. हमको बच्चों रहना पड़ा था बहुत ही बड़ी वित्तीय तनाव में. We had to live अर्थात बच्चों हमको रहना पड़ा था. We had to live हमको रहना पड़ा था अंडर मनी होता है मैं दबाव में a great financial strain का उन्हें वित्तीय तनाव के अधीन हमको एक बहुत बड़े वित्तीय तनाव के अधीन रहना पड़ा था. It was winter बच्चों सर्दी का समय था. ये जाड़े का समय था चिल माने बच्चों बहुत ही जो कड़ाके की ठंड थी वॉज एट इट्स हाइट. कड़ाके की ठंड जो है अपनी चरम सीमा पर थी. कड़ाके की ठंड अपनी चरम सीमा पर थी. वी हैड ए लिमिटेड नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स और हमारे पास सीमित मात्रा में कंबल थे. और भाई ऐसे थे कि खुद उगाड़े रहते थे उसके बावजूद हमको क्या करते थे कंबल ओढ़ाते थे. द कोल्ड वॉज सो बाइटिंग अर्थात बच्चों ठंड जो थी ना वो बड़ी बाइटिंग यानी होता काटने वाली थी बड़ी तेज थी चुभने वाली थी बर्दाश्त नहीं होती थी पर्टिकुलरली एट मिडनाइट खासतौर पे आधी रात के समय. दैट वन ब्लैंकेट वॉज नॉट एनफ फॉर अस वन अर्थात बच्चों एक कंबल एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं होता था. तब भी वो अपना कंबल हटाते और मुझे जो है उठा करके वो खेतों पर काम करने के लिए बिना वस्त्रों के ही जो है चले जाते थे. तो बच्चों इस तरह से क्या देखा आपने? इस तरह से बच्चों आज की बात यही समाप्त है और अगली बात अगली क्लास में. नमस्कार.